एपिसोड 42। अगली सुबह मैं बेदार हुआ तो मेरी छठी हिस्स ने किसी गैरमामूली बात का एहसास दिलाया। मैं चौंककर इधर उधर देखने लगा। दूसरे लम्हे मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी और मेरी हैरत और तजस्सुस में मजीद इजाफा हो गया। मैं कैबिन का दरवाज़ा बंद करके सोया था, मगर उस वक्त बोल्ट गिरा हुआ था और पट भी खफीफ सा खुला हुआ नजर आ रहा था। मैं मुतजस्सुस नज़रों से कमरे का जायजा लेने लगा, लेकिन कोई गैरमामूली बात दिखाई नहीं दी। मैं तेज़ी से बाहर निकला, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने जल्दी से टॉर्च उठाई और मचान पर चढ़ गया। मैंने टॉर्च रोशन की और दूसरे ही लम्हे कई हज़ार वोल्ट का झटका सा लगा। डॉलर्स का थैला अपनी जगह से गायब था। थैले को अपनी जगह ना पाकर मेरा ये आलम हो गया कि काटो तो लहू नहीं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर यकीन ना करने की कोई वजह भी नहीं थी। मचान बिल्कुल खाली था और वहाँ थैले को तलाश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं नीचे उतर आया। थैले की गुमशुदगी ने मुझे बौखला कर रख दिया था। मैं फ़ौरन मरियम के कैबिन की जानब चल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक दी तो चंद लम्हों बाद मरियम का हशाश बशाश चेहरा नजर आया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और दोनों हाथों से मेरी कमर थामकर शोक नज़रों से मुझे देखने लगी। ठहरो ठहरो, मैं एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। तुम नाराज़ तो होगी, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और यह खबर यकीनन तुम पर कोई अच्छा असर नहीं छोड़ेगी कि डॉलर्स का थैला चोरी हो चुका है। क्या, ये कैसे हुआ? मैं खुद हैरान हूँ। इसका मतलब है कि अमले के किसी शख्स को हमारे पास $10 मिलियन की मौजूदगी का पता चल गया। क्या तुम कैप्टन रोश को इस मामले से मुस्तस्ना समझती हो? वो तो सबसे ज़्यादा मशकूक है। वो चालाक आदमी लोमड़ी की तरह नज़र आता है। उसके किरदार और गुफ्तार की नरमी, खलूस और इंसान दोस्ती सब ढकोसला है। यू मीन के ये कैप्टन की हरकत है? कैप्टन या जहाज़ का कोई और फ़र्द? वो खुद भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में दाखिल हो सकता है और अमले के किसी फ़र्द को भी इस काम पर आमादा कर सकता है। ज़ाहिर है वो उस जहाज़ का मालिक है। यहाँ मौजूद तमाम लोग उसके हुक्म के ताबे हैं, उसके तनख्वाहदार हैं। मालिक की खुशनुदी हासिल करने के लिए बास लोग सब कुछ कर गुजरते हैं। बहुत मुमकिन है कैप्टन के पास ऐसे चंद अफराद हो जो एक इशारे पर किसी को कत्ल कर सकते हो। तुम क्या कहना चाहती हो? वो हमें कत्ल करा देगा? तो इसमें क्या शक है? खैर तुम ये बताओ कि रात को सोने से पहले तुमने रकम चेक की थी? हाँ, थैला अपनी जगह पर मौजूद था और उसमें नोटों की गड्डियाँ थी। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे सोने के बाद कोई शख्स अंदर आया और मचान पर चढ़कर डॉलर्स का थैला उतार के ले गया। लिहाजा बेहतर यही है कि हम इस सिलसिले में सबसे पहले कैप्टन से बात करें। तुम्हारा मशवरा बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि अभी और इसी वक्त चला जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, चलो। लेकिन अगर कैप्टन खुद चोर है तो क्या वो कबूल कर लेगा? हरगिज़ कबूल नहीं करेगा, लेकिन हमें उसके रद्दअमल का पता चलेगा और उसकी गुफ्तगू से किसी नतीजे पर पहुंचने में मदद मिलेगी। कमोबेश 1% इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कैप्टन का इस मामले से कोई ताल्लुक ना हो और ये अमले के किसी फर्द का इनफरादी फेल हो। अगर ऐसा है तो रकम बरामद कर ली जाएगी। कैप्टन बज़ाहिर उसूल पसंद मालूम होता है, यकीनन वो इस बात को अहमियत देगा, लेकिन इस सूरत में जबकि वो खुद मुलविस ना हो। हम दोनों कैप्टन के कैबिन में पहुंचे तो पता चला कि वो अपने दफ्तर जा चुका है। दफ्तर कंट्रोल रूम से मुहलिक था। हम वहां पहुंचे तो कैप्टन कुछ लिखने में मसरूफ था। हमें देखते वो उठ खड़ा हुआ और हमारा पुरजोश इस्तकबाल किया। आज मैं जल्दी दफ्तर आ गया, वरना इस वक्त अपने कैबिन में होता हूँ। खैर, आप लोगों के लिए क्या मंगवाऊँ? शुक्रिया, इस वक्त हमें किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। हम लोग एक अहम मसले पर बात करने आए हैं, मैंने खुशकलाजे में कहा। क्या उस शख्स ने क्लारा के कैबिन में दोबारा दाखिल होने की जरूरत की है? क्लारा को कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमें लूट लिया गया है। मैं समझा नहीं। हमारे पास $10 मिलियन थे जो चुरा लिए गए हैं। $10 मिलियन? कैप्टन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो रकम एक थैले में थी। वो थैला मैंने कैबिन के मचान में रख दिया था। सुबह उठकर देखा तो रकम गायब थी। कैप्टन चंद लम्हे अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखता रहा। कुछ देर के बाद वो बोला, शिप का डॉक्टर माहिर नफ्सियात नहीं है, ताहम साइकोलॉजी में थोड़ी बहुत सुध-बुध रखता है। आई थिंक वो तुम्हारी मदद कर सकेगा। क्या मतलब? मतलब इसके सिवा और क्या हो सकता है कि तुमने कोई सुनहरा ख्वाब देखा है। ये बीमारी बहुत से लोगों को लाहक होती है। मैं बीमार नहीं हूँ कैप्टन, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। समझने की कोशिश कीजिए कैप्टन, मरियम बोली, हमारी रकम वाकई चोरी हो गई है और ये ख्वाब नहीं, 100% हकीकत है। ये बात और भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ है कि एक ही नौयत का ख्वाब दो मुख्तलिफ अफराद देखें। हाँ, वो जो लड़की तुम्हारे साथ है, कहीं उसने भी इस कस्म का ख्वाब तो नहीं देखा? मुझे लगता है डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। मैं एहतजाज करता हूँ कैप्टन, बराए करम इस संगीन मसले को मजाक में मत उड़ाइए, मैं ख्वाब और हकीकत में तमीज़ कर सकता हूँ। कैप्टन के चेहरे पर हैरत के कुछ ज़्यादा ही आसार नमूदार हो गए। तुम संजीदा हो? 100%। और आपको भी संजीदगी से इस बात का नोटिस लेना चाहिए। हमारे दरमियान अभी बेतकल्लुफी की फ़िज़ा कायम नहीं हुई है। इन हालात में इस कदर संगीन मजाक में कैसे कर सकता हूँ?
आपको तस्लीम कर लेना चाहिए कि मैंने जो कुछ कहा वो दुरुस्त है। मैं समझा था, इस वक्त तो मेरी पेशकश का जवाब देने के लिए आए हो। कौन सी पेशकश? वही मुलाजमत की बात। ओहो, उसको जाने दीजिए कैप्टन, हमारे मसले की तरफ तवज्जो दीजिए, इस मसले का फौरी इकदाम करना ज़रूरी है। कैप्टन ने छत की तरफ देखा, फिर उठकर कमरे में टहलने लगा। कुछ देर बाद उसने मोहब्बत से मेरे कंधों पर हाथ रखे और नरमी से बोला, मिस्टर सिकंदर, मैं तुमसे महज हमदर्दी कर सकता हूँ, और खातून तुमसे भी, इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता। तुमने 10 मिलियन डॉलर्स की गुमशुदगी की जो बात की है वो नाकाबिले यकीन है, अनहोनी और मेरी समझ से बालातर है। ऐसी बेसरोपा बात कोई होशमंद और सहीउल दिमाग शख्स नहीं कर सकता। आप इसे बेसरोपा बात समझते हैं? आखिर आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आता? मैंने गुस्से से कहा। क्योंकि गुज़िश्ता रोज गुफ्तगू के दौरान तुमने खुद ही कहा था कि वतन जाने के लिए तुम्हारे पास किराए के पैसे नहीं हैं। इस सिलसिले में तुमने अपने मुल्क के सफारतखाने से रबता कायम करने की बात भी की थी, और मैंने तुम्हें अपनी जानिब से किराए की रकम फराहम करने की पेशकश की थी। क्या तुम ये तमाम बातें भूल गए हो? मैं नहीं समझ सकता कि इन हालात में कोई शख्स ये तस्लीम करेगा कि तुम्हारे पास थोड़े बहुत नहीं पूरे 10 मिलियन डॉलर्स थे, जबकि तुम किराए के लिए फिक्रमंद थे। शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि 10 मिलियन डॉलर्स क्या होते हैं। उस रकम से 4-5 जेट तैयारे खरीदे जा सकते हैं और एक छोटी मोटी सल्तनत कायम की जा सकती है। मैं 10 मिलियन डॉलर की अहमियत को खूब जानता हूँ कि वो क्या होते हैं और उनसे क्या क्या खरीदा जा सकता है। साथ ही मैं अपनी गलती पर पछता भी रहा हूँ कि सिलसिले में गलत बयानी से मैंने काम लिया। किस सिलसिले में? मैंने गलत कहा था कि हमारे पास रकम नहीं है, और ये कि किराए के लिए हमने अपने मुल्क के सफारतखाने से रबता कायम करेंगे। तुमने झूठ क्यों बोला था? रकम के तहफ़ के लिए हमने ये बात इसलिए छुपा के रखी कि अंदाज़ा नहीं था कि जहाज़ पर किस कस्म के लोग होंगे। हमें अंदेशा था कि रकम छीन ना ली जाए। इसका यकीन क्यों कर किया जाए कि तुम्हारी ये दूसरी बात भी गलत बयानी पर मबनी नहीं है। हो सकता है तुम इस वक्त भी झूठ बोल रहे हो, और किसी मकसद के तहत झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी बात पर भरोसा करना मुश्किल है कैप्टन। मरियम कदर सख्त लहजे में बोली, हम इस पोजीशन में हैं कि हमारे पास अपनी बात साबित करने का कोई जरिया नहीं है कि हमारे पास 10 मिलियन डॉलर की रकम मौजूद थी, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि रकम का थैला आपके जहाज से गायब हुआ है, और ज़ाहिर है ये हरकत जहाज़ के किसी आदमी की है। खातून, मैं नहीं कह सकता कि तुमने मुझ पर और मेरे आदमियों पर रकम की चोरी का जो इल्ज़ाम लगाया है वो किस हद तक दुरुस्त है। इससे पहले मेरे आदमियों पर मुजरमाना हमले का इल्ज़ाम भी लग चुका है, और मैं ज़मन में अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सका हूँ। अगरचे मिस्टर सिकंदर ने पहले ये बात वाज़ह कर दी थी कि आप लोगों में से किसी के पास कोई रकम नहीं है, ताहम ज़रा देर के लिए मैं ये बात मान लेता हूँ कि 10 मिलियन डॉलर का कोई वजूद था, लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले मैं सिलसिले में कुछ सवालात करना चाहूँगा। ज़रूर, हम आपकी हर बात का ठीक ठीक जवाब देंगे। गलत बयानी से काम लेने की ज़रा सी भी गलती से हमें बहुत बड़ा खमियाजा उठाना पड़ा है। मैंने कहा, गुड, तुमने कहा था कि हम मुहिम जो लोग हैं एक ख़जाने की तलाश में इस तरफ आए थे कि रास्ता भटक गए। जी जी हाँ। तुमने ये बात भी कही थी कि ख़जाना तलाश करने में तुम लोग कामयाब नहीं हुए। हाँ। अगर ये दोनों बातें दुरुस्त हैं तो तुम बता सकते हो कि इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई, जबकि कोई भी जीहोश इन ख़तरनाक जंगलात में 10 मिलियन डॉलर्स देके नहीं घूम सकता, बिलखसूस मुहिमजोई के सफ़र में इतनी बड़ी रकम साथ ले जाने की हिमाकत की ही नहीं जा सकती। कैप्टन की बात सुनकर हम दोनों सन्नाटे में आ गए। उसने हमारी दुखती रग पे उंगली रख दी थी। हमें एहसास ही नहीं था कि वो उस कसम के सवाल कर बैठेगा। उसका सवाल बड़ा जामा और मायने खेज था। ज़ाहिर है बात मालूम करके वो हमारे सच और झूठ का पता लगाना चाहता था। जवाब हम दोनों से ना बन पड़ सका। मैं जल्दी से बोला, जनाब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि दहशत खेज जंगलात में इतनी बड़ी रकम साथ लिए फिरने का सवाल पैदा नहीं होता। हकीकत है कि ख़जाना हमने तलाश कर लिया था। तो गोया तुमने इस मामले में भी झूठ बोला था। हम मजबूर थे, रकम को छुपा के रखने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था। 10 मिलियन डॉलर की रकम उस ख़जाने से बरामद हुई थी, या बाल्फाज़े दीगर यही ख़जाना था जिसकी तलाश में तुम लोगों ने हिंदुस्तान से कोलंबिया का सफ़र इख्तियार किया था। जी हाँ। मेरे दोस्त, किसी मदफून ख़जाने के हवाले से सोना हीरे जवाहरात का तस्वुर जहन में उभरता है। ये बात तो मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ कि डॉलर की शक्ल में कोई कदीम ख़जाना बरामद हुआ हो। कैप्टन का सवाल माकूल और बामाने था। उसने एक बार फिर मुझे जवाब देने की मुश्किल में डाल दिया था। मरियम ऐसी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी जैसे कह रही हो, खबरदार, कैप्टन बहुत काया है। और कैप्टन का अंदाज़ ऐसा था गोया मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। आखिर मुझे जवाब सूझ गया। वो ख़जाना कदीम नहीं था। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक अमरीकी ताजर जो जर्मनों की नज़रों से बचता बचा था इधर आ निकला था,
उसके पास उसकी जिंदगी भर की कमाई 10 मिलियन डॉलर की रकम भी थी। इस इलाके में वो सख्त नामसाइद हालात का शिकार हो गया। भूख प्यासे तड़प तड़प कर जब वो मरने लगा तो रकम का थैला उसने एक पहाड़ी की गार में छुपा दिया। ये वही 10 मिलियन डॉलर्स हैं जो कई साल जंगलों की खाक छानने के बाद हम बड़ी मुश्किल से तलाश कर पाए हैं। तुम्हें उस खजाने का इल्म कैसे हुआ? उसके रिश्तेदार के जरिए हमें इन वाकयात का पता चला था। और उस रिश्तेदार को ये बात क्यों कर मालूम हुई? जाहिर है उस वक्त सिवाय ताजर के और वहाँ कोई ना था। ये बात किसी को मालूम नहीं हो सकती थी कि 10 मिलियन डॉलर्स कहाँ महफूज किए गए हैं। सवाल टेढ़ा था, मैं सोचने लगा, लेकिन उससे पहले मरियम बोली, हमें नहीं मालूम ये इत्तलात उस शख्स तक कैसे पहुंची। उसने हमें खजाने का नक्शा भी दिया था। कहाँ है नक्शा? मरियम ने हीरो के कान का नक्शा कैप्टन की तरफ बढ़ा दिया। वो उसे देखने लगा, फिर हंसकर बोला, ऐसा लगता है किसी शरीर बच्चे ने कागज पर उल्टी सीधी लकीरें खींच दी हैं। ये कहकर उसने मजाक ही मजाक में नक्शे के पुर्जे पुर्जे कर दिए। अरे ये क्या किया आपने? मरियम पूरी कुव्वत से चीखी, आपको मालूम नहीं कि इसके उसूल के लिए हमने कितनी मुश्किल झेली हैं। कैप्टन उसके एहतजाज की परवाह किए बगैर लापरवाही से बोला, मैंने कहा ना ये नक्शा वगैरह नहीं, किसी बच्चे की शरारत मालूम होती है। और अगर नक्शा ही था तब भी आप लोग में तो बेकार ही था। जाहिर है आप लोग खजाना बरामद कर चुके हैं, चनाचप इसकी अहमियत रद्दी कागज से ज्यादा नहीं है। मैं देख रहा था कि मरियम बड़े जब्त से काम ले रही है। उसके चेहरे पर फैला हुआ गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था, और ऐसा होना भी चाहिए था। नक्शे के उसूल के लिए हम दोनों अपनी जान पर खेल गए थे। अगरचे मेरी नज़र में उसकी कुछ ज़्यादा अहमियत ना थी, मगर मरियम उसे जान की तरह अजीज रखती थी। मेरे ख्याल में कोई और वक्त होता तो वो नक्शा फाड़ने वाले को शूट कर देती। कैप्टन ने टेबल बेल पर हाथ मारकर मुलाजम को तलब किया और कॉफ़ी का ऑर्डर देकर मुझसे बोला, आपने जो कुछ बयान किया है मुझे उसकी सदाकत पर शुबा है, और मेरा ख्याल है कि आपने ये बात भी किसी मसलहत के तहत की है। आपको मेरे बयान पर शुबा क्यों है? इसलिए कि दूसरी जंग अजीम का मरकज यूरोप और एशिया के इलाके थे। इस तरफ ना तो कोई गोली चली, ना बम फटा, और ना कोई जर्मन सिपाही इस तरफ आया। इन हालात में बावर करना ज़रा मुश्किल है कि कोई ताजर जर्मनों के खौफ से इस तरफ निकल आया और अपनी दौलत एक गार में छुपा कर मर गया। तो गोया आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सरासर झूठ बोल रहा हूँ, हमारे पास कोई रकम नहीं थी, और ये कि रकम की गुमशुदगी का हमने महज नाटक रचाया है। मैं कुछ नहीं कहता, अपने बयान की रोशनी में तुम खुद फैसला कर लो कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। बहरहाल अगर तुम बजिद हो तो मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जहाज़ की तलाशी ले सकते हो, और जहाँ जिसके पास तुम्हारी रकम मौजूद हो उसे बरामद कर लो। तो आप इस सिलसिले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकते? मरियम ने पूछा, क्यों नहीं? कैप्टन ने रजामंदी का इजहार किया, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और जहाज़ के एक एक हिस्से में ले चलूँगा तुम्हें, बल्कि शुरुआत मेरे ऑफिस और मेरे कैबिन से करो। नहीं नहीं, हमें आप पर शुबा नहीं है, आप जैसा मौजूद शख्स ऐसी रकीक हरकत हरगिज़ नहीं कर सकता। यह अलग बात है कि आप लोग मुझे अच्छा समझते हैं, और यह गालिबन इसलिए कि मैं इस जहाज़ का मालिक हूँ। मैंने तुम लोगों की जान बचाई है, लेकिन उसूल उसूल हुआ करता है, इसमें रियायत और मुरवत वगैरह की गुंजाइश नहीं होती। यूँ भी मैं अपनी ज़ात को शक शुबे से बालातर रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे ऑफिस और कैबिन की तलाशी ले लो, उसके बाद दूसरी जगहों पर चलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक इकदाम और करना चाहता हूँ। कौन सा इकदाम? कैप्टन ने घंटी बजाई और मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ तो वो उससे कहने लगा, चंद अहम अफराद के अलावा जो इंजन रूम और कंट्रोल रूम में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, बाकी तमाम लोगों को ऑफिस में पहुंचने की हिदायत करो, और तुम खुद भी वापस आ जाओ। मुलाजिम गया तो कैप्टन बोला, मैं तमाम लोगों से पूछ गछ करूँगा। हरचंद के मेरे अमले के अफराद अच्छे और बुलंद किरदार के हैं, लेकिन दौलत ऐसी चीज़ है कि किसी की नीयत बदलते देर नहीं लगती। अगरचे ये बात मेरी समझ से बारातर है कि आप लोगों के पास 10 मिलियन डॉलर्स मौजूद थे, ताहम इत्मीनान दिलाने की खातिर ये कार्रवाई करना पड़ेगी। कैप्टन ने ये अल्फाज बड़ी सच्चाई और खलूस के साथ अदा किए थे। मैं सोचने लगा, या तो ये शख्स बहुत ज़्यादा पुरखलूस और मेहरबान है, या फिर मरियम के कहने के मुताबिक इतना चालाक है कि हम दोनों को बेच खाएगा। ज़रा देर बाद कैप्टन के दफ्तर में तकरीबन 1.5 दर्जन अफराद जमा हो गए। सबकी आंखों में हैरत और फिक्र तरद्दुद के आसार थे। कैप्टन ने अकाबी नज़रों से बारी बारी सबकी तरफ देखा, फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि जहाज़ में एक संगीन वारदात हो गई है, और वारदात की नौयत यह है कि हम में से किसी शख्स ने 10 मिलियन डॉलर्स चोरी कर लिए हैं। 10 मिलियन डॉलर्स? कई अफराद ने यकज़बान होकर हैरत सदा लहजे में कहा। हाँ, वो रकम हमारे इन मौसिस मेहमानों की थी जिन्हें तुम लोगों ने डूबने से बचाया था और जहाज़ में सवार किया था। इनका बयान है कि वो रकम एक थैले में थी जिसे राजदारी के ख्याल से उन्होंने कैबिन के मचान पर रख दिया था, लेकिन आज सुबह थैला गायब है।
कैप्टन ने अपनी बात मुकम्मल करके एक बार फिर बारी बारी सब लोगों का जायजा लिया। जनाब, ये लोग इंतहाई कसम परसी के आलम में समंदर में गोते खाते हुए मिले थे। ये बात समझ में आने वाली नहीं कि इनके पास 10 मिलियन डॉलर्स होंगे। ये तो बहुत बड़ी रकम है। एक शख्स जरा देर बाद बोला, तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात मेरे समझने की है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप लोगों में से किसी ने रकम चुराई है तो खामोशी से वापस कर दें। उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि मैं ऐसा तरीका अख्तियार करूँगा कि किसी को शुबा तक नहीं हो सकेगा कि रकम किसने चुराई थी। और वो तरीक़ाकार है कि एक एक आदमी मेरे कैबिन में जाएगा और चंद लम्हे वहाँ ठहर कर वापस आ जाएगा, और आप लोगों में से जिसने रकम चुराई है वो मेरे बेड के नीचे डाल देगा। इस तरह दूसरे आने वाले को नज़र नहीं आ सकेगा। मेरा कैबिन यहाँ से खासे फासले पर है, और ये बात बहुत आसान होगी कि अपने कैबिन से या जहाँ भी उस शख्स ने रकम छुपाई है वहाँ से निकाल कर मेरे कैबिन में डाल जाए। ये मेरा वादा है कि ना उसका ताकुब किया जाएगा और ना उसकी शनाख्त करने की कोशिश की जाएगी। सब लोग चुप रहे, अलबत्ता सब हैरत ज़्यादा और परेशान थे। कैप्टन ने एक की तरफ इशारा किया, मलकम सबसे पहले तुम जाओ, उसके बाद जिस तरतीब से तुम लोग खड़े हो अगले शख्स की वापसी के बाद बारी बारी जाते रहोगे। मलकम नामी वो शख्स फौरन बाहर चला गया। उसे ज़्यादा देर नहीं लगी, तकरीबन 5 मिनट बाद वो वापस आया। तुम अपने कैबिन में गए थे? यस बॉस। और उसके बाद? आपके कैबिन में। ठीक है जैनोरा, अब तुम जाओ और तुम भी वही करो जो मलकम ने किया था। जैनोरा ने हुक्म की तामील की और फौरन बाहर चला गया। उसके बाद ये के बाद दिगरे अमले के लोग आते और जाते रहे, यहाँ तक के तमाम अफराद अपनी अपनी बारी भुगता चुके। बाद अज़ा कैप्टन ने चंद आदमी भेजकर उन लोगों को भी बुला लिया जो इंजन रूम, रेडियो रूम और दीगर अहम शोबों में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। उन लोगों ने भी यही किया। जब आखिरी आदमी कैप्टन के कैबिन से वापस आ गया तो वो उठ खड़ा हुआ और उन्हें मुखातिब करके बोला, मेरी वापसी तक तमाम लोग यहीं रहेंगे, कोई शख्स बाहर नहीं जाएगा। कि कहकर उसने हम दोनों को उठने का इशारा किया और हमें लेकर अपने कैबिन में आ गया। मेरे मुलाजमीन मुझसे बहुत डरते हैं, अगर अमले के किसी शख्स ने रकम चुराई है तो वो यकीनन बेड के नीचे रख गया होगा, तुम झांक कर देख लो। मैंने कैप्टन की हिदायत पर अमल किया, लेकिन बेड के नीचे कुछ नहीं था। मैंने मायूसी से गर्दन हिला दी। कैप्टन ने भी नीचे झांका। इसका मतलब है कि अमले के किसी फर्द ने रकम नहीं चुराई, अब मेरी साथ बाकी रह जाती है, और मैं इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करूँगा कि तुम्हारी नज़र में मशकूक समझा जाऊँ। अब हम जहाज़ के एक एक हिस्से की तलाशी लेंगे, और सबसे पहले मेरा कैबिन। ये कहकर उसने अपना तमाम सामान कैबिन के वस्त में ढेर कर दिया, हत्ता के बिस्तर भी उलट दिया, और साथ ही मुझे मजबूर किया कि उसके सामान की तलाशी ले लो। मैं बड़ी उलझन में था। कैप्टन रविश इस मामले में जिस खुलूस का इजहार कर रहा था, इसके सबब मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कैप्टन के कैबिन से फारिग होकर हम एक एक कैबिन में गए और जहाज़ के तमाम हिस्से छान मारे, लेकिन डॉलर्स का थैला कहीं ना मिला। थक हार कर हम वापस दफ्तर में आ गए। अमले के लोग अभी तक वहीं मौजूद थे। कैप्टन ने उन्हें ऑफिस से जाने का हुक्म दिया, फिर उसने मुलाजिम को तलब करके चाय लाने की हिदायत की। मैं समझता हूँ तुम्हारा शक रफा हो गया होगा, हमने जहाज़ का एक एक हिस्सा देख लिया सिवाय इस दफ्तर के, मगर रकम कहीं नहीं मिली। अब दफ्तर की भी तलाशी ले लो ताकि तुम्हें मुकम्मल इत्मीनान हो जाए। इतने में मुलाजिम चाय ले आया। चाय ख़त्म करने के बाद कैप्टन ने खुद ही दराजें, अलमारियाँ, सेफ, खुफिया खाने, गर्ज हर चीज़ हमारे सामने खोल के रख दी, लेकिन डॉलर्स का थैले का कहीं पता ना था। बल्कि अब तो हमें भी यह महसूस होने लगा कि गोया वो रकम हमारे पास थी ही नहीं। मुझे पहले इस बात की तवक्को थी कि रकम बरामद नहीं होगी। कैप्टन कहने लगा, वाकया यह है कि रकम आप लोगों के पास मौजूद ही नहीं थी, इसलिए बरामदगी का सवाल ही नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को झूठा साबित कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ज़िम्मन में कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है रकम आपके पास हो लेकिन नामसायद हालात में समंदर में बह गई हो, जबकि आप लोगों के दिल में यह ख्याल जागुजर हो कि जहाज़ में दाखिल होते वक्त रकम का थैला मौजूद था और यह हिफाजत से कैबिन के मचान में रख दिया है। मैंने लोगों से पूछताछ और तलाशी में जो वक्त सर्व किया है इसकी बर्बादी का मुझे पहले से यकीन था, लेकिन महज आप लोगों के इत्मीनान और दिलजोई की खातिर मैंने ये सब कुछ किया। मैं अपने मेहमानों की बहुत इज्जत करता हूँ, ये मेरी फितरी कमजोरी है। मैं और मरियम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमारे पास कैप्टन की बात का कोई जवाब नहीं था, यूं भी वह हमारा मोहसिन था, उसने हमारी जानें बचाई थी, चनाचे उससे ज़्यादा बहस व तकरार करना ज़्यादती की बात थी। कैप्टन से फारिग होकर हम दोनों अपने कैबिन में पहुंचे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सोच में गर्क थे। यकीनी बात थी कि जो मैं सोच रहा था उन्हीं पहलुओं पर मरियम गौर कर रही थी। कैबिन में पहुंचकर उसने 2 गिलास पानी के चढ़ाए और इजी चेयर पर गिर गई। बोलो अब क्या कहते हो? कैप्टन की मौयत में हम पूरे जहाज़ की तलाशी ले चुके हैं, मगर ताज्जुब की बात है कि रकम कहीं से बरामद नहीं हुई।
इस खुशफहमी में ना रहो कि हमने पूरे जहाज को खंगाल के रख दिया है। ये ज़रूर है कि हम जहाँ जहाँ गए हैं उस जगह की मुकम्मल तलाशी ली है, और यकीनी तौर पर वहाँ डॉलर्स का थैला मौजूद ना था। लेकिन बहुत से मकामात ऐसे भी होंगे जहाँ कैप्टन हमें लेके नहीं गया होगा। बिलखसूस इंजन में ऐसी बहुत सी जगह होंगी जहाँ थैला आसानी से छुपाया जा सकता है। ठहरो, तुम्हारी बात समझ में आ रही है। मेरे जहन में अभी मछली के गोदाम का ख्याल आया है। कैप्टन हमें वहाँ नहीं लेके गया, और मेरे ख्याल में वो जगह ऐसी है जहाँ कैप्टन या कोई दूसरा आदमी डॉलर्स का थैला छुपा सकता है। एक्सीलेंट, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिश गोदाम में थैले की मौजूदगी के बहुत ज़्यादा इम्कान हैं। जाहिर है मछलियाँ तो पेटियों में बंद होंगी, जिनकी तादाद सैकड़ों बल्कि हज़ारों तक हो सकती है। उन्हीं पेटियों में से किसी में रकम का थैला रख दिया गया होगा, और जगह बनाने की खातिर थोड़ी बहुत मछलियाँ खिड़की के रास्ते समंदर में फेंक दी गई होंगी। बहुत दूर की कौड़ी लेकर आई हो तुम, मैंने तारीफ़ी अंदाज में कहा। मुझे यकीन है थैला मछलियों के गोदाम में छपाया गया है, इसलिए हमें आज रात ही गोदाम की तलाशी लेनी होगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। नहीं, मैं तन्हा जाऊँगा। एक आदमी के मुकाबले में दो ज़्यादा आसानी से नज़रों में आ सकते हैं। बहुत एहतियात की ज़रूरत है डार्लिंग। यू डोंट वरी, मैं हर एहतियात को मलहूस रखूँगा। उसी वक्त कैबिन का दरवाज़ा खुला और क्लारा अंदर आई। आप लोग कहाँ चले गए थे? मैं कब से तलाश करी हूँ। बैठ जाओ, एक बहुत बुरी खबर है। क्या? 10 मिलियन डॉलर चोरी हो गए हैं। ओह, मगर कब, कैसे? जिस तरह चोरी होते हैं। डॉलर्स का थैला मचान पर छुपा के रखा गया था, सुबह गायब पाया गया। तो मचान पे क्यों रखा था? किसी ऐसी जगह रखना चाहिए था जहाँ किसी की नज़र ना पड़ सके। इससे ज़्यादा महफूज जगह कोई नहीं थी। बहरहाल, रकम जहाज पर ही है, हम जल्द तलाश कर लेंगे। देखो, ये लोग मुझे अच्छे मालूम नहीं होते। पहले मुझ पर हमला हुआ और अब रकम गायब हो गई। तुम फिक्र मत करो क्लारा, जो लोग अच्छे नहीं होते हम उनसे निमटना अच्छी तरह जानते हैं। तुम लड़ोगे उससे? नहीं। फिर रकम किस तरह वापस लोगे? देखती जाओ, बस ये समझ लो कि रकम का थैला अनकरीब हमारे कब्जे में होगा। रात के 2 बज चुके थे और मैं फिश गोदाम में जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मेरे पास किसी किस्म का असलाह नहीं था, बस एक कलम तराश था, और मुझे खुद पर एतमाद था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे खंजर का काम ले सकता हूँ। जेबी टॉर्च मैंने पहले ही जेब में रख ली थी, और तार के 2 अदद टुकड़े भी, ताकि कुफल वगैरह खोल सकूँ। 2:15 पर मैं नहायत आहिस्तगी के साथ अपने कैबिन से निकला। मुझे मालूम था गोदाम जहाज़ के किस हिस्से में है, लेकिन उधर जाने से पहले मैं मरियम के कैबिन की तरफ गया। हल्की सी दस्तक दी तो मरियम ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। जा रहे हो? हाँ। खैर मामूली हालात के लिए तैयार रहना। बहुत होशियारी से, खतरा शदीद है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी दरवाज़ा खोला ही था कि एक कर्पनाक चीख फिजा में तैर गई। मैं तेज़ी से बाहर निकल आया। मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया था कि चीख की आवाज़ क्लारा के कैबिन से आई है, और ये कि वो जुनूनी शख्स आज फिर उसके कैबिन में घुस गया है। मैं तेज़ी से कैबिन की तरफ दौड़ा, मगर वहाँ पहुँचने से पहले ही एक शख्स तूफान की तरह बाहर निकला, जिसके चेहरे पर नकाब पड़ा था। मुझे देखकर वो ठिठका और मुखालिफ सिंत में भागना शुरू कर दिया। मैं अपनी साबिका गलती को दोहराना नहीं चाहता था, चनाचा क्लारा के कैबिन में जाने के बजाय मैंने उसका ताकुब शुरू कर दिया। मुझे ताकुब में देखकर वो रुक गया, और जब वो मुड़ा तो उसके हाथ में रिवॉल्वर था, जिसमें यकीनन साइलेंसर लगा था, क्योंकि धमाके के बजाय 2 मरतबा क्लिक की आवाज़ आई। एक गोली मेरे बाजू के करीब से गुजरी, और अगर ज़रा सा जाविया तब्दील होता तो मेरे दिल को छेद चुकी होती। यह काम दूसरी गोली ने किया, और मुझे अपनी पिंडली में सीसा सा पिघलता महसूस हुआ। गोली पिंडली के गोश्त को फाड़ती हुई निकल गई, और मैं वहीं गिर गया। नकाब पोश इस दौरान गायब हो चुका था। चीख की आवाज़ जहाज़ के अमले ने भी सुन ली थी, क्योंकि ज़रा देर बाद ही जहाँ रात के सन्नाटे में कदमों की धमक सुनाई दी। मगर सबसे पहले मरियम मेरे पास पहुंची। क्या हुआ? कौन था? तुम्हारी पिंडली से खून बह रहा है, शायद गोली लगी है। हाँ, गोली ही लगी है, मगर हड्डी सलामत है। गोली गोश्त को छेदती हुई पार निकल गई है। तुमने पहचाना कौन था वो? नहीं, उसने नकाब पहना था सया। वो क्लारा के कैबिन से बदहवासी के आलम में निकला था। मुझे देखकर भाग खड़ा हुआ। मैंने उसका पीछा किया, और उसने ताकुब से बाज रखने के लिए मुझ पर 2 फायर झोंक दिए। मैंने कहा था ना, हम पर किसी भी वक्त कातिलाना हमला हो सकता है। तुम्हारे पास रुमाल है? हाँ, लाओ जल्दी दो मुझे। मैंने जेब से रुमाल निकालकर मरियम को दिया। उसने ज़ख्म पर खूब कसकर रुमाल बांध दिया, जिसके नतीजे में खून बहना बंद हो गया। उसने मुझे सहारा देना चाहा, मगर मैं बगैर सहारे के उठ खड़ा हुआ। क्लारा के कैबिन में चलो, हमें उसकी खबर लेनी चाहिए। मैं एक टांग से अंगड़ाता हुआ मरियम के साथ क्लारा के कैबिन की तरफ बढ़ा। जो ही हम अंदर दाखिल हुए, एक दिलदोज मंजर हमारा मुंतजर था, जिसे देखकर हैरत और सदमे से हमारी आंखें फटी रह गईं, और चंद लम्हों के लिए हम मबहूत होकर रह गए। क्लारा खून में डूबी हुई बिस्तर पर पड़ी थी।
मैंने आगे पढ़ कर देखा, गोली ऐन दिल के मकाम पे लगी थी और शायद वो फिल फोर मर गई थी। मैंने मरियम को इशारा किया, उसने लाश पर चादर डाल दी क्योंकि क्लारा का लिबास इस हद तक तार तार था कि शर्मो हया उसे देखने की इजाज़त नहीं देती थी। हम कैबिन से बाहर आए तो हस्बे साबिक अमले के बहुत से अफराद मौजूद थे और सबकी आंखों में हैरत तैर रही थी। उनमें से एक मोमर और संजीदा शख्स मेरी तरफ आया। क्या बात है मिस्टर, ये चीख की आवाज़ कैसी थी, आप कौन है? मैंने गुस्सैले अंदाज में पूछा। मैं जहाज का चीफ इंजीनियर हूँ, माय नेम इज़ मार्शल। मिस्टर मार्शल, क्या लोगों की जान इसलिए बचाई जाती कि उन्हें बाद में कत्ल कर दिया जाए? कौन कत्ल हो गया, किसने कत्ल किया? वो घबरा कर बोला, आप ही लोगों में से कोई कातिल होगा। पहले हमारे साथी पर मुजरमाना हमला किया गया, फिर हमारी रकम गायब की गई और आज हमारे साथी लड़की क्लारा को कत्ल कर दिया गया। क्या? माइकल के लहजे में खौफ की झलक थी। हाँ, और शायद हमारी बारी भी आ जाए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस जहाज पर अच्छे लोग नहीं हैं, चोर कातिल और धोखेबाज हैं। मेरी बात सुनकर चंद अफराद के चेहरों पर कहर व गज़ब के आसार नमूदार हो गए, जैसे उन्हें मेरी बातें बहुत बुरी लगी हों और वो मुझे कच्चा जवाब जाएंगे। मैं उसी वक्त कैप्टन के पास जाने का इरादा रखता था। आओ मरियम, कैप्टन के पास चलते हैं, वो जहाज़ का मालिक है और यहाँ रुनुमा होने वाले तमाम वाकयात का जिम्मेदार है। हमने कदम बढ़ाया था कि डॉक्टर आ गया। बराए करम कैप्टन रोड से मिलने की कोशिश न कीजिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डिनर के बाद उनका ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो गया था, उन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। जी नहीं, बात मामूली नहीं है, मामला कत्ल का है। हम कैप्टन से इसी वक्त मिलेंगे और ये बहुत ज़रूरी है। मैंने डॉक्टर को एक जाने फटाते हुए कहा। अभी मेरा जुमला मुकम्मल हुआ ही था कि कैप्टन खुद वहाँ आ गया। उसके चेहरे पर वाकई बीमारी के आसार थे और वो किसी कदर घबराया हुआ भी था। क्या हुआ मिस्टर सिकंदर? मुझे मेरे मुलाजिम ने बताया कि यहाँ को गड़बड़ हो गई है। तो आपने कोई आवाज़ नहीं सुनी? दरअसल तबीयत की खराबी के बाद डॉक्टर ने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया था, मुलाजिम ने मुझे झिंझोड़ कर जगाया है। कैप्टन, आपके जहाज पर इंसानी जानो माल की कोई कदर कीमत नहीं है। आपने कहा था कि मेरे पास कोई बुरा आदमी नहीं है। मैं अपने अमले में किसी नापसंदीदा शख्स को पसंद नहीं करता, मगर आपका दावा गलत है मिस्टर रोश। बिल्कुल गलत, मैं कुछ देर पहले भी ये बात कह चुका हूँ और अब फिर कह रहा हूँ कि इस जहाज पर चोर कातिल और लुटेरे हैं। कैप्टन बला का तहम्मुल मिजाज था, उसने मेरी बात का कतन बुरा नहीं माना। वो बहुत अफसरदा और शर्मसार नजर आ रहा था, जैसे क्लारा के कत्ल का जिम्मेदार वो खुद को समझता हो। और यही बात उसने कही, मुझे शदीद अफसोस है कि मेरे जहाज पर आपके साथ पै दर पे अलमनाक वाकयात पेश आ रहे हैं। क्लारा की मौत का सबसे बड़ा अलमिया है और मैं बिलवास्ता तौर पर इसमें खुद को मुलविस समझता हूँ, क्योंकि कत्ल मेरे जहाज पर मेरी ज़ेर निगरानी हुआ। आई प्रोमिस यू कि जब तक कातिल को नहीं पकड़ लूँगा चैन से नहीं बैठूंगा, बल्कि ज़रूरी कार्रवाई अभी से शुरू कर रहा हूँ। ये कहकर कैप्टन कैबिन से बाहर आ गया, हम लोग उसके साथ थे। बाहर कैप्टन के हुक्म के मुताबिक सब लोग उस जगह मौजूद थे, बल्कि चंद अफराद का इजाफा हो गया था जो बाद में वहाँ पहुँचे थे और कैप्टन का हुक्म सुनकर मजबूरन रुक गए थे। आप लोग मेरी बात गौर से सुने, जहाज पर कत्ल की वारदात हो गई है, मेहमान लड़की को गोली मार के हलाक किया गया है। कत्ल की गर्ज़ो गायत क्या रही होगी मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहता, लेकिन ये बात यकीन है कि कातिल अमले का ही कोई फ़र्द है। इस वसी समंदर में कोई आदमी बाहर से आकर लड़की को कत्ल नहीं कर सकता। कैप्टन एक लम्हे के लिए रुका। इस दौरान में एक लंबे तड़ंगे शख्स ने, जो जिसामत में कैप्टन के ममासिल था, एक कदम आगे बढ़ के कहा, जनाब ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों ने किसी बात पर खुद ही लड़की को कत्ल कर दिया हो और इल्ज़ाम स्टाफ पर थोपना चाहते हो। इससे पहले भी ये $10 मिलियन की चोरी का ड्रामा रचा चुके हैं, इतनी बड़ी रकम तो शायद इन्होंने ख्वाब में भी ना देखी होगी। बकवास बंद करो, मैं हर पहलू पर गौर करूंगा, तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसने हुक्म दिया कि सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाएं। हुक्म की तामील की गई। कैप्टन चंद कदम आगे बढ़ के बोला, अगर किसी शख्स की जेब में वो रिवॉल्वर है जिससे लड़की को कत्ल किया गया है तो वो यहाँ फर्श पर रख दें, वरना मैं बाद में तलाशी लूँगा और इसके बाद एक एक कैबिन को चेक करूँगा। लाइन में खड़े हुए जहाज़ के अमले के किसी फर्द ने अपनी जगह से हरकत नहीं की। तब कैप्टन रोश आगे बढ़ा और एक एक आदमी की जेबें टटोलने लगा। आखिरी आदमी को चेक करके वो मायूसी से अपनी जगह पर आ गया। तमाम लोग मेरी वापसी तक यहीं ठहरे, मैं रिवॉल्वर की तलाश में रिहायशी कैबिनों में जा रहा हूँ और एक मरतबा फिर वार्निंग देता हूँ कि अगर किसी के कैबिन में वो रिवॉल्वर है तो वो शख्स आगे आ जाए, मैं उसकी सज़ा में कमी कर दूँगा। इस बार भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला, वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और खासे हैरान नजर आते थे। मेरी पिंडली में शदीद दर्द शुरू हो गया था, मैं दीवार का सहारा लिए खड़ा था, खून भी ज़्यादा रिसने लगा था। तुम बहुत तकलीफ में मालूम होते हो, कैप्टन रोश मेरी तरफ देखकर बोला, अपने जख्म की
जल ड्रेसिंग कराओ वरना समंदरी हवा से फौरन सेप्टिक हो जाता है। ये कहकर वो डॉक्टर से बोला, प्लीज मिस्टर सिकंदर को डिस्पेंसरी में ले जाएं और पूरी तंदई व तवज्जो से इलाज करें। मैं खातून मरियम और मिस्टर मार्शल के साथ रिवॉल्वर की तलाश में जा रहा हूँ, और मिस्टर सिकंदर तुम मुतमईन रहो, तुम्हें जल्द तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया जाएगा कि हमारी इस कार्रवाई का क्या नतीजा बरामद हुआ। कतल ऐसा जुर्म नहीं जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। मैं कातल को बेनकाब करके रहूँगा वरना आइंदा भी जहाज़ पर इस नौयत की वारदातें जारी रह सकती हैं। चनाचे मैं अपने जहाज़ को इस गंदगी से पाक करके दम लूँगा।